नमस्कार, किराने के सभी साथियों को मैं नमस्कार करना चाहता हूं। आज ये जो वीडियो बना रहे हैं, आप सब लोगों को ये बताने के लिए कि कल किराड़ी क्षेत्र में, जैसा कि हमने इंटरव्यू के अंदर भी कहा था कि सुबह शुक्ला जी ने झूठ की बौछार करी और शाम को झा जी ने करी, कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी किराड़ी क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करने के लिए आए थे। उस मंच से किराड़ी क्षेत्र के पूर्व विधायक ने झूठ की जो बौछार करी है, इसको लेकर के किराड़ी की सभी माननीय जनता को मैं सच्चाई बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं। साथियों, ये कहते हैं कि प्रेमनगर के अंदर में जो डीडीए की जमीन है वो आदेश गुप्ता जी ने दिलवाया है। ये कहते हैं कि किराड़ी क्षेत्र में जो 400 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना रहे हैं डीडीए से जमीन लेकर के, ये आदेश गुप्ता जी ने दिलवाया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और कहते हैं कि सीवर पंपिंग स्टेशन के लिए जमीन डीडीए से गुप्ता जी ने दिलवाया है फ्री में। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डीडीए किसी की बपौती नहीं है। डीडीए का जो गठन है ये 1956 में, जब चाचा नेहरू प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तब किया गया था। और 1956 से लेकर के आज तक की ये पॉलिसी 1956 में बनाई गई थी कि किसी भी सरकार को जब स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए जमीन दी जाएगी तो फ्री में दी जाएगी, एक रुपए एकड़ के हिसाब से। तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, स्कूल का और अस्पताल का जमीन हमें फ्री में दे करके। और आदेश गुप्ता जी हो सकते हैं मेंबर होंगे, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि आपका बेटा ने, आपका विधायक ने पूरी टीम के साथ दिन रात लग करके डीडीए से जमीन लिया था, तब जा करके स्कूल बन रहा है। डीडीए से जमीन लिया तब जा करके अस्पताल बन रहा है। डीडीए से जमीन लिया फायर स्टेशन के लिए और नए स्कूलों के लिए, एसपीएस के लिए, और ये कहते हैं फ्री में जमीन दिया है। सीवर पंपिंग स्टेशन के लिए एमएलए कप ग्राउंड प्रताप विहार, भाग्य विहार में तीन जमीन का टुकड़ा हम लोगों ने लिया, 12 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से दिया है। डीडीए से बड़ा प्रॉपर्टी डीलर कोई नहीं है देश के अंदर में, 12 करोड़ रुपए पर एकड़ के हिसाब से दिया है। टोटल 26 करोड़ रुपए हम लोगों ने डीडीए को चुकाया, तब जाकर के एमएलए कप ग्राउंड में हमें एसपीएस की जमीन मिली, तब जाकर के प्रताप विहार में हमें एसपीएस की जमीन मिली, तब जाकर के भाग्य विहार में हमें एसपीएस की जमीन मिली है, इस तरीके से। और रही बात स्कूल अस्पताल के लिए, 1956 से लेकर के यह पॉलिसी है, स्कूल अस्पताल के लिए फ्री में जमीन देंगे, बाकी के लिए पैसे लेंगे। हम लोगों ने पैसा देकर के जमीन लिया है, किसी ने कोई एहसान नहीं किया है। इस तरीके का झूठ बोलने का काम ये जो पूर्व विधायक ने आपके मन से किया है, इसके बारे में बताने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। हम लोगों ने कसम खाया है, ये भाजपाइयों की राजनीति है झूठ बोल करके राजनीति करने की। जब जब ये झूठ बोलेंगे, जो भी झूठ बोलेंगे, किराड़ी की जनता के सामने आपका ये बेटा, आपका ये भाई सामने आकर के उस बात को सच्चाई रखने का काम करेगा, लोगों को सही जानकारी देने का काम करेगा। और मैं इनसे कहना चाहता हूँ, आदरणीय बड़े भाई से, कि भैया इतना ही जमीन आदेश गुप्ता दिलवा रहे, तो आपकी घरवाली निगम पार्षद है, वहां पर तो जमीन भी है, सब कुछ है, तो आपने स्कूल के लिए जमीन क्यों नहीं लिया, आपने अस्पताल के लिए जमीन क्यों नहीं लिया, आपने पार्क के लिए जमीन क्यों नहीं लिया, आपने कम्युनिटी सेंटर के लिए जमीन क्यों नहीं लिया। हमारा निगम पार्षद विपक्ष में रह करके जमीन लेकर स्कूल बनवा सकता है, हमारा निगम पार्षद विपक्ष में रह करके कम्युनिटी सेंटर के लिए जमीन ले सकता है, पार्क के लिए जमीन ले सकता है, कॉम्पैक्टर के लिए जमीन ले सकता है, और आप लोग सत्ता में रह के नहीं ले पाए। तो सबको ये पता है कौन झूठ बोल रहा है, आपकी निगम पार्षद आपकी घरवाली है, आप उसके लिए भी जमीन ले लेते, वहां पर स्कूल बनवा लेते, कॉम्पैक्टर बनवा लेते, कम्युनिटी सेंटर बनवा लेते, पार्क बनवा लेते। 5 साल से मैडम गायब है, ये झूठ की राजनीति बंद करो। 7 साल से आप सत्ता में नहीं हो और आज भी आप झूठ की राजनीति करते हो, ये शोभा नहीं देती है, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको राजनीति करनी है, मुद्दे की राजनीति करिए, काम की राजनीति करिए। आज किराड़ी क्षेत्र के अंदर में सीवर का काम चल रहा है, अस्पताल का काम चल रहा है, स्कूल का काम चल रहा है, ड्रेनेज का काम चल रहा है, सड़कों का काम चल रहा है। आज दिक्कतें हैं क्योंकि 2 साल से अड़चने आ रही है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आने वाले 2 साल के अंदर में जब ये सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम सभी किराड़ी वासियों के जीवन में एक अमूलचूल परिवर्तन आने वाला है। किराड़ी क्षेत्र का नव निर्माण 8 लाख लोगों के साथ मिलकर के कर रहे हैं, और किराड़ी क्षेत्र का संपूर्ण विकास होकर रहेगा, और भाजपाइयों के झूठ का जवाब इसी तरीके से हम लोग आकर देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।